एक क्रिप्टो एक्सचेंज एजेंसी थी जो कि अब बैंक करप्ट हो गई है। $40 बिलियन उसकी वर्थ थी और अब वो बैंक करप्सी की तरफ जा रही है और हो चुकी है उसकी बैंक करप्सी। कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसने $1 बिलियन जो है वो चैरिटी की थी और वो इसको बड़ा दिखा रहे थे कि भाई ये बहुत कामयाब इंसान है और ये वो। अभी कुछ दिनों के बाद आज मैं मेरा ख्याल कल मैंने इसकी बैंक करप्सी का मुझे पता चला है। ये सब फ्रॉड है, रियल चीज़ों में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी गोल्ड जो कि हमारे आबा व अजदाद सदियों से करते आ रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि गोल्ड ले लें। ये क्रिप्टो की तरफ, क्रिप्टो एक बकवास है हाँ, जिसको दिखाया जाता है बड़ा करके। अब उस बंदे का कहना था, FTX कंपनी के फाउंडर का जो कि 29 साल का लड़का है, कि क्रिप्टो मैंने इस तरह कमाना शुरू किया कि $10,000 रेट होता था एक का इधर USA में और $11,000 जापान में होता था, तो मैंने उसी को जो है ना उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये यहाँ से अपना अमेरिका से मैं 10,000 का लेता था एक कॉइन और क्रिप्टो का यानी कि बिटकॉइन का, और उसको 11,000 में मैं जापान में सेल करता था। तो मुझे इसी तरीके से बिलियंस ऑफ, जब मैंने 1 मिलियन के लिए तो वो वहाँ पर ज़्यादा के बिक गए, उसको प्रॉफिट हुआ और इस तरह मैं रोज़ करता था और मैं बिलियनर बन गया। और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि बहुत PMs तक उन्होंने, उनके PMs के साथ भी उनकी वीडियोस हैं और उन्होंने भी इसको इतना करके दिखाया है और कुछ दिनों बाद ही पता चल रहा है कि ये बैंकरप्ट हो गया।